माइक्रो ग्रीन जैसा कि शब्द से आप पता लगा सकते हैं कि एक छोटा सा फील्ड जो आप अपने घर में, किचन में, अपने ड्राइंग रूम की खिड़की पे लगा सकते हैं, जो कि न्यूट्रिशन से भरे हुए हैं और इसकी विभिन्न प्रकार की रेसिपी आप बना सकते हैं और अपने घर में फ्रेश न्यूट्रिशियस ग्रीन्स उगा सकते हैं। ये क्यों न्यूट्रिशियस है? क्योंकि ये जब शुरुआत में एक पौधा जन्म लेता है और जुवेनाइल स्टेज में होता है तो उसको अपने बड़ी अच्छी प्रतिरोधक शक्ति होती है, क्योंकि उसे अपने आप को इस दुनिया में बचाना होता है। तो ये जो पौधे हैं इस स्टेज में, ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर हैं। इसमें अन्य जो आप मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, वो तो है ही, मगर इसके अलावा अच्छी फाइबर है और एंटीऑक्सीडेंट्स भरा हुआ है। और जैव रसायन संस्थान विभाग जो है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में, उसने एक टाइनी फील्ड नामक एक छोटी सी किट बनाई है जो कि डिवीजन ऑफ जेनेटिक्स के साथ मिलकर बनाई है। और इस किट में हम आपको पूरी सारी जानकारी भी दे रहे हैं और मटेरियल भी दे रहे हैं, जिससे कि आप अपनी किचन में और अपने ड्राइंग रूम की खिड़की पे एक छोटा सा माइक्रो ग्रीन फील्ड बना के रख सकते हैं। माइक्रो ग्रीन एक ऐसा नाम है जो भी शहरी क्षेत्रों में ही ये जाना जाता है, बहुत लोग आज भी इसके बारे में नहीं जानते। तो आज हम माइक्रो ग्रीन के बारे में जानेंगे 5 मुख्य बिंदुओं के बारे में, जैसे कि माइक्रो ग्रीन क्या है, इसे हम क्यों उपयोग करते हैं, इसे कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए तथा उद्यम के रूप में इसे हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। तो माइक्रो ग्रीन्स पौधे की वह अवस्था है जिसमें कि उसे 7 से 21 दिनों के अंदर अंदर लगा करके हम उपयोग में लाते हैं। इसमें कुछ ऐसी क्रॉप्स हैं जिसको कि हम माइक्रो ग्रीन्स में लेते हैं, जैसे कि मूंग है, मसूर है, उसके बाद आपकी सरसों है तथा अन्य कई तरीके की क्रॉप्स को हम ले सकते हैं। माइक्रो ग्रीन्स को क्यों लगाएं? माइक्रो ग्रीन्स न्यूट्रिएंट्स से रिच है, इसमें पोषण एकदम भरपूर मात्रा में होता है, खास करके विटामिन्स, मिनरल्स तथा विभिन्न प्रकार के एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें होते हैं। माइक्रो ग्रीन्स में पोषण उसके मैच्योर पार्ट की अवस्था में लगभग 4 से 40 गुना तक ज्यादा देखा गया है। अगर हम इसको ऐसे समझें कि ब्रोकोली का माइक्रो ग्रीन है, अगर हम उसे उपयोग में लाते हैं और साथ ही साथ अगर ब्रोकोली को उपयोग में लेते हैं तो उसमें न्यूट्रिशन की मात्रा या पोषण की मात्रा कहीं ज्यादा होती है। पोषण के इसी महत्व के कारण माइक्रो ग्रीन्स स्पेस फूड का भी हिस्सा बन चुका है। अब आते हैं कि माइक्रो ग्रीन्स को कैसे लगाया जाए। माइक्रो ग्रीन्स को लगाने के लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होगी, जिसमें कि ये ग्रो मीडिया होगा, उसमें आप नॉर्मल मिट्टी भी ले सकते हैं, अपने गार्डन की सॉइल भी ले सकते हैं। जो ग्रो मीडिया है उसमें कोकोपीट, वर्मिकुलाइट और सैंड का 2:1:1 या 3:2:2 का मिक्सर हम उपयोग में लाते हैं। अगर उसको उपयोग में लाते हैं तो 7 से 10 दिनों तक आराम से उसमें मॉइस्चर रहता है और हम उसमें माइक्रो ग्रीन्स ग्रो कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई दूसरी मिट्टी उपयोग में ला रहे हैं तो ध्यान दें कि उसमें किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। माइक्रो ग्रीन को विभिन्न प्रकार के ट्रे में लगाया सकता है। अगर एक छोटी 4 से 5 लोगों की फैमिली है तो एक छोटी ट्रे में लगा सकते हैं। अगर फैमिली बड़ी है तो हम एक बड़ी ट्रे में भी माइक्रो ग्रीन को घरों में लगाने के लगा सकते हैं। अगर हम उद्यम के रूप में माइक्रो ग्रीन लेना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक कोई रैक सिस्टम लेना पड़ेगा या फिर हम हाइड्रोपोनिक सिस्टम में भी माइक्रो ग्रीन को लगा सकते हैं। जहां तक रही उपयोग की बात, तो माइक्रो ग्रीन का जो शुरुआत थी वो अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर से हुई और वहां के शेफ ने इसको सबसे पहले गार्निशिंग में सजावट के तौर पर उपयोग करना शुरू किया। बाद में देखा गया कि सजावट के साथ ही साथ इसमें ये काफी सारे पोषक तत्वों से भरपूर पाया गया। अभी हम माइक्रो ग्रीन को विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में उपयोग में लाते हैं, जैसे कि पास्ता, पिज्जा, बर्गर के साथ ही साथ अगर हम इंडियन कुजीन की बात करें तो हम इसमें चटनी में भी इसका उपयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ पापड़ी चाट या अन्य विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि माइक्रो ग्रीन को कब लगाया जाए। माइक्रो ग्रीन को हम कभी भी लगा सकते हैं, क्योंकि माइक्रो ग्रीन को लगाने के लिए हमें एक छोटे से ट्रे की आवश्यकता है और उस ट्रे में हम माइक्रो ग्रीन्स को लगा करके किसी भी ऐसे स्थान पर रखें जहां पर कि सनलाइट या सूर्य की रोशनी पर्याप्त मात्रा में पड़ती हो। इतना ही नहीं, माइक्रो ग्रीन्स को हम अपने किचन के विंडो पर भी लगा सकते हैं या फिर हमारे ड्राइंग रूम में भी अगर लाइट काफी अच्छी मात्रा में है तो वहां भी इसको लगा करके उगाया जा सकता है। अगर उद्यम के रूप में हम माइक्रो ग्रीन्स की बात करें तो अभी विश्व में सबसे बड़ा मार्केट अमेरिका है, लेकिन भारत में इसकी संभावनाएं बहुत ही ज्यादा है। इसको देखते हुए बहुत सारी कंपनियां और स्टार्टअप माइक्रो ग्रीन के बिजनेस में आ रहे हैं। माइक्रो ग्रीन्स को अभी तो आप शहरी क्षेत्रों में बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, ये ऑनलाइन के माध्यम से भी हमें मिल सकता है। माइक्रो ग्रीन भारत में 2 मुख्य तरीके से उपलब्ध है। पहला, आप इससे फ्रेश ग्रीन के रूप में भी अपने घरों में मंगा सकते हैं, कुछ बड़े मॉल्स में भी ये मिलता है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार की माइक्रो ग्रीन किट है जो कि मार्केट में उपलब्ध है। इन किट्स को आप ऑनलाइन माध्यम से भी मंगा सकते हैं।
इतना ही नहीं, उसी संस्थान ने भी एक माइक्रोग्रीन किट का विकास किया है जिसका कि नाम टाइनी फील्ड है और ये हमारे संस्थान से उपलब्ध है। माइक्रोग्रीन्स को लगाते हुए कुछ सावधानियों का हमें ख्याल रखना चाहिए। पहला है कि बीज कोशिश करें कि ट्रीटेड या कोटेड ना हो, क्योंकि माइक्रोग्रीन 7-10 दिनों में हम उपयोग करते हैं तो उसमें एक संभावना रहती है कि उसका रेजिड्यू आ सकता है। दूसरा है मिट्टी, जो भी हम ग्रो मीडिया यूज करते हैं या कोई मिट्टी लेते हैं या कोई गर्म कंपोस्ट लेते हैं तो ध्यान दें कि उसमें किसी भी प्रकार का किसी फंगस या कोई ऐसा इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए, नहीं तो माइक्रोग्रीन्स की भी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। उसके बाद जो तीसरा पार्ट आता है वो है आपका पानी। जिस भी पानी का हम उपयोग करते हैं, जनरली तो हम टैप वाटर या नल का पानी लेते हैं, कोशिश करें कि वो पानी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो। साथ ही साथ माइक्रोग्रीन को हम उसी जगह पर ग्रो करें जहां पर कि सन का प्रकाश या सूर्य का प्रकाश काफी मात्रा में उपलब्ध हो। इसी के साथ मैं यही कहूंगा कि अच्छा खाएं और स्वस्थ रहें।